सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा हम लोग बहुत संक्षेप में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, बहुत लंबा चौड़ा वीडियो ये नहीं है। और एक तो आप लोगों को कोटा विश्वविद्यालय के जो रिमेनिंग टाइम टेबल्स है उसके ऊपर और थोड़ा सा प्रैक्टिकल के ऊपर मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा, और आप लोगों की सलाह मैं चाहूँगा। तो जो भी आप देखो एक बार कमेंट ज़रूर करना आज, और कमेंट मैं इसलिए मांग रहा हूँ आप लोगों से क्योंकि एक तो मैं दो तरीके से आप लोगों के साथ पुराने पेपर शेयर करना चाह रहा हूँ, तो आप मुझे बता देना कि आपको पेपर किस तरीके से शेयर करने हैं। एक तो यह है कि उनके सॉल्यूशन के बारे में भी बता दिया जाए साथ में कि भाई इनकी आंसर राइटिंग ऐसी करनी है, एक नॉर्मल सिर्फ क्वेश्चन फॉर्मेट में 2-3 मिनट में डाल दिए जाएँ, एक तो इसके ऊपर आप लोगों से सलाह मांगना चाहूँगा। और एक जो है मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज शुरू करने वाला हूँ तो उसमें सिलेबस के साथ जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डालेंगे सभी विषय के, तो ये आज हम लोग शुरू करेंगे शाम से। तो एक तो ये बात थी जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, तो इसके लिए आप लोग शाम तक का वेट करोगे। और बाकी एक ये है कि जो MA के टाइम टेबल का वेट आप लोग कर रहे हो, MA और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का, उसको लेकर के भी अपडेट है। तो जो भी स्टूडेंट्स आप लोग नए आए हो चैनल पर उन सभी से तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि बेटा एक बार आप लोग ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से चैनल को, और जो रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए बेटा जो टाइम टेबल MA का है खासतौर पे प्रीवियस और फाइनल, MSc का भी और MCOM का भी, तो इन लोगों का टाइम टेबल संभवतया कल तक शायद आ जाना चाहिए, हो सकता है आज शाम तक भी आ जाए लेकिन कल तक आने के आसार पूरे हैं। और मेरा ये मानना है कि यदि टाइम टेबल 1 या 2 दिन में जब आ ही जाएगा तो आप लोगों के एग्ज़ाम जो है 15 के आसपास प्लस माइनस 2 कर लो, 13 से लेकर के 17 के बीच में जो है शुरू हो जानी चाहिए। और यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा की साइट को आप लोग दिन में कम से कम एक बार ज़रूर विजिट करें, ये मैं पहले भी कहता आया हूँ और अभी भी कह रहा हूँ कि आप लोग दिन में कम से कम एक बार जो है आपको ये ज़रूरी है कि एक बार साइट को ज़रूर अवलोकित करें आप लोग, जिससे कि कोई भी न्यूज़ जो है आप लोगों से मिस ना हो। हालांकि ये बात सही है कि कोई भी चैनल वाला या इंक्लूडिंग मी हम लोग कोशिश करते हैं सारी खबर देने की, लेकिन हो सकता है कि कोई सिचुएशन ऐसी हो कि हम लोग वीडियो नहीं बना पाएँ, तो उसका उसके लिए आपको यह है कि आप लोग यूनिवर्सिटी के आधिकारिक साइट को विजिट करते रहें, तो उससे आपका कोई जो इम्पोर्टेंट टास्क है वो मिस नहीं होगा, इसलिए भी ये ज़रूरी है। और एक ये है कि चलो ठीक है कि एग्ज़ाम का टाइम टेबल भी आ जाएगा, आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखें, गैप जो है बहुत ज़्यादा नहीं होगा, आप 3 दिन का गैप मान के चलिए, दो तीन दिन का गैप आप लोगों के पेपरों के बीच में रहेगा, ऐसा मेरा मानना है, हो सकता है कि ज़्यादा भी रहे लेकिन मेरा ये मानना है कि 3 दिन के आसपास 2 या 3 दिन का ही गैप रहेगा, फटाफट आप लोगों के पेपर जो है कंप्लीट हो सकते हैं। और सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर को लेकर के मेरा अभी भी ये मानना है कि जुलाई के फर्स्ट वीक तक भी आप लोगों के पेपर जा सकते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूस जो है जारी रखें। और रही बात पेपर की स्ट्रेटेजी बनाने की या 2 यूनिट को करने की या फिर 50% पेपर सॉल्व करने की, इसमें आप लोगों को किसी भी प्रकार का भ्रम अपने मन में नहीं रखना है, 50% अंकों का पेपर आपको हल करना है। सिलेबस को आप किस तरीके से आपकी सुविधा अनुसार हल कर सकते हो ये आपके ऊपर है, 2 यूनिट मैंने आपकी सुविधा के लिए इसलिए बताए थे कि उसमें से भी आप जो है पूरा पेपर हल कर सकते हो, तो ये मैंने आपकी सुविधा के लिए कहा था, ऐसा कोई नियम जो है यूनिवर्सिटी ने अपनी तरफ से नहीं बनाया है, आप लोग अपनी सुविधा के हिसाब से कोई भी 2 यूनिट सेलेक्ट करके यदि पढ़ोगे तो आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा, आप लोगों के अच्छे नंबर आ जाएंगे, इसलिए मैंने कहा था दिए गए समय में, क्योंकि अब समय उतना नहीं बचा है तो इसलिए मैंने ये कहा है। फाइल के ऊपर अमूमन मैंने हर वीडियो में यही कहा है, इस वीडियो में मैं फिर से इस चीज़ को रिपीट करना चाहूँगा कि जो आप लोगों की प्रैक्टिकल की फाइल है आप लोग कंप्लीट करके रखें, प्रैक्टिकल की फाइल के माध्यम से ही आपको अंक दिए जाएंगे, और फाइल के बारे में टॉपिक्स के बारे में आप लोग अपनी कॉलेज में पता करें, मोस्टली कॉलेजेज ने जो है टॉपिक्स लगा रखे हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग फाइल के टॉपिक को एक प्रकार से कंपाइल करके रखें और शेयर करें, क्योंकि होता क्या है हम लोग जो है चीज़ों को एक प्रकार से एकीकृत करके रखते नहीं हैं और उसके बाद परेशान आप भी होते हो हम भी होते हैं, ऐसा नहीं हो, आप लोग कोशिश करें और निश्चिंत रहें, परेशान होने की बिल्कुल भी 1% आवश्यकता नहीं है। प्रैक्टिकल को लेकर के जो भी चीज़ें हैं मैं आप लोग के साथ फिर से शेयर कर दूँगा, जो इकोनॉमिक्स वाले बच्चे हैं फाइल्स और ये फाइल्स के पैटर्न और ये सारी चीज़ों को टॉपिक्स वगैरह को फिर से एक बार रिपीट कर दूँगा, आप लोग देख लेना टेलीग्राम पर भी व्हाट्सएप पर भी जितने भी मेरे ग्रुप बने हुए हैं सब जगह शेयर करूँगा, तो आप लोगों तक वो पहुँच जाना चाहिए। और रिटर्न जो पेपर है उसके बारे में आप लोग तैयारी करते रहें,
निश्चित तौर पर आप लोग अपनी मेहनत करोगे तो आपके परिणाम जो है सकारात्मक आएंगे। और बस इतना ही आज आप लोगों के साथ शेयर करना है। शाम से हम लोग और चीज़ें जो है अपडेटेड वर्जन के साथ आप लोगों के साथ मैं रहूँगा। थैंक यू सो मच। और उतना मैं आजकल आप लोगों के साथ एंगेज नहीं हो पा रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, कोशिश करूँगा कि आप लोगों के साथ जुड़ा रहूँ। थैंक यू सो मच।